महानगर युवा कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को 2 जून के अवसर पर बैंक रोड पर बासफोर समाज के बच्चों में बिस्किट, ब्रेड तथा पानी के पैकेट का वितरण किया, जिसके संबंध में महानगर युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदि अंश गांधी ने बताया कि युवा कांग्रेस की टीम विगत 45 दिनों से लगातार महानगर में सैनिटाइजेशन, छिड़काव तथा मास्क वितरण का कार्य कर रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि मास्क पहनने में लापरवाही न बरतें, बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकले तथा घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक मल, महानगर उपाध्यक्ष आशुतोष श्रीवास्तव, महासचिव विष्णु मोहन सैनी, राहुल गुप्ता, विकास कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदि अंश गांधी ने कहा, लाइन लगाइए तभी मिलेगा। अरे यार, पहले लाइन लगा, लाइन लगा, लाइन लगा। अरे यार, कम से कम लाइन तो लगा लो। आप लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए। मेरा नाम है आदिंश गांधी, अध्यक्ष महानगर युवा कांग्रेस गोरखपुर। गोरखपुर महानगर में लगभग 45 दिन से हमारी पूरी टीम महानगर में सैनिटाइजेशन, छिड़काव का प्रत्येक मोहल्लों में कार्यक्रम कर रही है। साथ ही साथ लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मास्क की वितरण कर रही है, बेड उपलब्ध करा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। जिसको ब्लड की ज़रूरत है, हम लोगों ने कैंप लगा करके ब्लड भी वितरण कराया है लोगों को। उसी क्रम में आज हम सभी लोग मिल करके गोरखपुर महानगर में ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और पानी वितरण कर रहे हैं, और यह कार्यक्रम आप लोग के द्वारा हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं, सफल कर रहे हैं। और जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि मास्क पहनने में लापरवाही न बरतें, क्योंकि महानगर की एक एक जनता की जान कीमती है। आज 2 जून भी है। हाँ, आज 2 जून है, उसी उपलक्ष्य में, क्योंकि लोगों का कहना है कि जून का मतलब वक्त होता है, 2 वक्त की रोटी बांटे युवा कांग्रेस। हम सारी मेरी टीम लगभग 45 दिन से यह कार्यक्रम कर रही है, और हम लोग आगे भी कोरोना से लड़ने का मेरा कार्य जारी रहेगा, और हम लोग गोरखपुर को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।